द ए आर भारत 89 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज सत्यनारायण भगवान का पूजा है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप देखिए सत्यनारायण भगवान का पूजा। ओम एतानि अर्चनानि पाद्यानि तिरुकुर गगनहाटि प्रसिद्ध इदं आस्त दिल भगवते चार दिशा मुखा सूर्य दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर पूर्व पश्चिम पश्चिम अर्थपति काल आदि नव देवता पंच देवता विष्णु देवता दीर्घ देवता कुल देवता को प्रस्थान बायनम संकल्प कुल धोए के आई से आई से की आई से हां ऐसे तो धोआओ ना आधा से गिराने का कोई बात एमे आदम का समगोत्र से भारत खंडे जम्बू द्वीपे आर्जा वर्दे कलजू के प्रथम चरण कल समय डाल ऐसे करता ये उठा का हां मतलब बगल रखना बगल रखना तो बगल में रखना देखता साइड में कुछ कुछ साइड में हां कल सा पर बैठा दिए श्री गौर गणेशाय नमः एतानि अर्चनानि पाद्यानि ओम प्रजापते नमः स्वाहा, गौर गणेशाय नमः स्वाहा, अग्नि देवता नमः स्वाहा, वरुण देवता नमः स्वाहा, इष्ट देवता नमः स्वाहा, कुल देवता नमः स्वाहा, 56 कोटि देवता नमः स्वाहा। इदम आगस्त तीन दिन वाला एतानि गंध धूप धूप दीप पुष्पाने श्री गौर गणेशाय नमः इन्हें वाला ए दे तुलसी दलम श्री गौर गणेशाय नमः इन्हें वाला ओपन ना डलवा दी ओपन सब पर सब गौर पर होने गणेश पर सब पर सब लगाई अच्छा गौर पर अलग है गणेश पर अलग इदम आज तो तीन जगह तो सुनने नहीं मिला एतानि अर्चनानि पाद्यानि इल्पसि गुरु इन्हें मिला जलाओ इदम आस्त तिल द भगवते श्री नवग्रह देवता सौ सौ पर नौ पर होने ना ना मैं ना मैं ना वाला और गणेश अच्छा वो गौरी और गणेश नवग्रह ए तानी गंध धूप धूप दीप पुष्पानी श्री नवग्रह देवता भी नहीं सोचना
एतानि अर्चनानि अज्ञानि इदम् आस्तभगवते श्री सत्यनारायण देवताय एतानि गन्धधूपधूर्जपुष्पाणि श्री सत्यनारायण इदम् आस्तभगवते ओम प्रजापते नमः स्वाहा गौर गणेशाय नमः स्वाहा अग्नि देवता नमः स्वाहा कुल देवता नमः स्वाहा गम आस्तोत विभव प्रश्न सत्यनारायण देवता मिले भगवान इष्ट देवता नमः स्वाहा कुल देवता नमः स्वाहा छप्पन पुत्र स्वाहा गौर गणेशाय नमः स्वाहा अग्नि देवता नमः स्वाहा इष्ट देवता नमः स्वाहा कुल देवता नमः स्वाहा छप्पन कोटि देवता नमः एक समय प्राणियों के हित चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीक नैनिक क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के सूर्य शिष्योगणी के सहित हरि नाम स्मरण करते हुए वहाँ आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले में श्री सूर्य जी को अत्यधिक महातेजस्वी सुनने वाले में श्री सूर्य जी तथा परम वैष्णव सोनाग्नि ऋषि परम पर चिकित्सा से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके सोनाग्नि मुनियों के दिए आसन पर संपूर्ण शिष्य सहित अतिथि बुद्धिमान सूर्य जी बैठे बैठे हुए सूर्य जी से सोनाग्नि मुनियों ने कलिकाल में मनुष्य को हरि भक्ति किस उपाय से हो हे भगवान हुआ कहिए, क्योंकि कलिकाल में सपना है प्राप्त करने में तत्पर अगले दिन हो जाएंगे, उनका कल्याण किस प्रकार होगा। कल युग में मनुष्य मानव को धारण किए आयु वाले निधन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे, प्राय अतिक्रम से होता है। इससे कल युग में कोई मनुष्य पुण्य करेगा और मनुष्य पुण्य करने से नष्ट हो जाएंगे, तब तुक्ष ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब वन से नष्ट हो जाएंगे। सूर्य जी किस तरह ऐसा कोई उपाय हम लोगों से बने जिससे उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान कपट रहित निष्पाप और निर्दोष और चार तरह के मनुष्य नारायण के समान है। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरे को ज्ञान नहीं देता उस पर प्रसन्न जो पुरुष रत्न की ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं उन्हें मनुष्य रूप धारण नारायण जाने। ये महामते ऐसा कौन व्रत है जिसके करने से आप वेद व्यास के ज्ञाता है, आप जैसा दूसरा कोई वक्ता दिखता नहीं, क्योंकि श्री वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं। सूर्य जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णव में अग्रणी हो, कारण कि सब प्राणियों का तुम सदैव हित चाहते हो। हे सौनक सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था और जिस प्रकार Thank you.